ट्रीटमेंट फॉर सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर थ्रू सीबीटी। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर को जो है हम सीबीटी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। सीबीटी इज़ अ वेरी बिग मॉडलिटी और बड़ी उसके अंदर वाइडर सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर है इसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक की यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है कोपिंग कैट। तो कोपिंग कैट की हेल्प से हम बच्चे को जो है वो एनजाइटी जो कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर के अंडरलाइन प्रिवेल कर रही होती है उसको मैनेज करना सिखाते हैं। यानी मेन जो हमारा फोकस है वो एनजाइटी मैनेजमेंट पे है। अब एनजाइटी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम बच्चे को साइको एजुकेट करेंगे। अब साइको एजुकेट हम क्या करेंगे, उसको ये बताना है कि जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो किस तरह वर्क करेगी, ठीक है, जो उसका प्रॉब्लम है वो उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम उसको हेल्प करेंगे कि वो क्यूज़ को आइडेंटिफाई करे। अब क्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली उसे ABC का जो चार्ट है उसको फिल करना पड़ेगा। अब ABC के चार्ट में हमें पता है कि ए इज़ द एंटीसीडेंट फैक्टर, जो एंसीडेंट इवेंट है या एंसीडेंट फैक्टर्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प देगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे को एंजाइटी होती है। जिस वक्त हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे क्यूज़, तो उसके बाद कॉपिंग कैट के अंदर वो फियर के वर्ड को यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से जो है वो बच्चे को ओवरकम करना सिखाते हैं एंजाइटी को। उसमें एफ को वो कहता है फीलिंग। फीलिंग का क्या मतलब है कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दिलाई जाती है कि उसके सोमैटिक रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे पल्पिटेशन हाई हो रही है, उसे स्वेटिंग हो रही है या उसके बटरफ्लाइज फील हो रही हैं उसे बॉडी के अंदर। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हम उसको चेक करते हैं कि उसकी फीलिंग सोमैटिक रिएक्शंस उस वक्त क्या होते हैं। देन ई क्या है, एक्सपेक्टिंग बैड थिंग हैपन, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि एनजाइटी में कैटास्ट्रोफाइजिंग होती है कि समथिंग बैड विल हैपन, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि ओके जस्ट टेल अस के वो क्या चीज़ बैड, कितनी बैड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो दैट इज़ समथिंग कि जिससे हम उसको अवेयर कराते हैं। देन ए दैट इज़ द एटीट्यूड एंड एक्शन दैट हेल्प, जैसा हमने बात की थी कि जो बी है जो उसका थाट प्रोसेसिंग है बेसिकली वो हमें हेल्प करता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि हमने बच्चे को किस तरह अनहेल्पफुल थॉट्स को हेल्पफुल थॉट्स के अंदर चेंज करवाना सिखाना है। तो यहाँ पर हम उसके डिफरेंट एटीट्यूड्स और एक्शंस जो हैं वो बिल्ड करवाएंगे जिसकी हेल्प से वो अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सके। अब एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए उसने किन दो चीज़ों को ओवरकम करना है, एक अपने सोमैटिक रिएक्शंस को और एक अपने थिंकिंग प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद जब वो इन दो चीज़ों को इस्तेमाल कर लेगा तो उसका जो आर है वो क्या है, रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। यानी रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेटली उस बच्चे का कि वो एंक्शियस नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और जो रिवॉर्ड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि उसको इजी फील होगा और वो ये कहेगा कि हाँ इस दफ़ा अगर मैं इस सिचुएशन में जाऊँगा तो मैं उस तरह एंक्शियस नहीं था जिस तरह मैं लास्ट टाइम था। तो इन दैट वे जो रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स हैं वहाँ पर आकर जो ये टेक्निक है वो ख़त्म होती है। कोपिंग कैट आमतौर पर 16 सेशंस में कहा जाता है कि अप्लाई किया जाता है इसे, और उसके दरमियान में जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्स एग्जिबिट कर देता है। थैंक यू।